रामनवमी के शुभ अवसर पर विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र पलामू एवं देश के तमाम वासियों को मेरी ओर से रामनवमी की हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। आइए हम सब मिलकर के भाईचारे के साथ रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाएं। समाजवादी पार्टी के विधायक का बयान खुद को महंगा पड़ा। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलने पर उनके पेट्रोल पंप पर बाबा का बुलडोजर चल गया। सपा विधायक ने योगी को बंदूक की धौंस क्या दिखाई। योगी ने 4 बुलडोजर एक साथ भेज दिए। विधायक ने कहा था कि योगी बोलेंगे तो बंदूक से धुआं नहीं गोली निकलेगी। सपा विधायक को लग रहा था कि कुछ भी बोलेंगे और योगी आदित्यनाथ शांत रहेंगे। ये शायद उनकी बहुत बड़ी भूल थी। विधायक के बयान देने के करीब 50 घंटे के अंदर ही योगी के 4 बुलडोजर एक साथ निकले और चारों तरफ से विधायक के पेट्रोल पंप पर तांडव मचा दिया। इसके बाद क्या हुआ, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। शेर चीते की बात करने वाले विधायक साहब घंटों फाइलें लेकर इधर उधर भागते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 4 बार के विधायक के पेट्रोल पंप को योगी के 4 बुलडोजरों ने ध्वस्त कर दिया। ये बरेली के भोजीपुरा विधानसभा से सपा के विधायक सहजल इस्लाम हैं। बोलने से पहले 4 बार ये सोच लेना चाहिए कि मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं। अगर ऐसा सपा विधायक ने किया होता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। सहजल इस्लाम ने योगी आदित्यनाथ को लेकर जो बयान दिया था उसे सुनकर आपको भी अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। जनता ने विधायक बनाया ताकि लोगों के लिए कुछ काम करे, लेकिन सहजल इस्लाम बंदूक और गोली की बात कर रहे थे। विधायक का काम होता है जनता की सेवा करना, लेकिन सहजल इस्लाम आवेश में आकर इतना ज्यादा बह गए कि एक मुख्यमंत्री को लेकर गोली चलाने की धमकी देने लगे। 2 दिन पहले ही विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोली चलाने की चेतावनी दी थी। सपा के कार्यालय में विधायक सहजल इस्लाम ने कहा था कि बोली चलेगी तो गोलियां चलेंगी। विधायक ने कहा था कि विपक्ष के तौर पर हम लोगों की एक अच्छी संख्या है, अखिलेश नेता प्रतिपक्ष हैं। ऐसे में आज अगर सदन का नेता होने के नाते योगी अपशब्द कहेंगे तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। अब से अगर उनके मुंह से एक भी आवाज निकलेगी तो हमारी बंदूक से धुआं नहीं गोली निकलेगी। हमारे हर दिल अजीज नेता अखिलेश यादव जो कि बबर सिर हैं, वो हमारे साथ हैं। ऐसे में योगी जैसे नेता हमारा क्या कर लेंगे। कुछ लोग इस कार्रवाई को कह सकते हैं कि बदले की कार्रवाई है। मुख्यमंत्री के खिलाफ क्या इस तरह की भाषा बोलना ठीक है। विधायक जी को लग रहा था कि योगी के खिलाफ कुछ भी बोलकर बच जाएंगे, लेकिन ये धौंस अब उन्हीं पर महंगी पड़ गई है। बुलडोजर चलने के बाद सपा ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है, लेकिन बरेली विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाने की वजह बता दी है। आरोप है कि विधायक इस्लाम ने पेट्रोल पंप बनवाने के लिए नक्शा पास ही नहीं करवाया था। कई बार नोटिस भेजा गया था लेकिन विधायक की नींद नहीं खुली। विधायक सहजल पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का भी आरोप है। बरेली विकास प्राधिकरण का कहना है कि विधायक को मामले में 2 साल पहले ही नोटिस भेज दिया गया था। इसके बाद साल 2021 में पंप को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था, इसके बाद भी नक्शा नहीं पास कराया गया था। अब इसे इत्तेफाक कहें या फिर कुछ और, मुख्यमंत्री योगी के ऊपर बंदूक वाला बयान देने के करीब 50 घंटे के बाद ही 4 बुलडोजर विधायक के पेट्रोल पंप पर पहुंच गए और फिर उसके बाद क्या हुआ आप खुद ही देख सकते हैं। तोड़फोड़ करने के बाद पेट्रोल पंप से मशीनें भी जब्त कर ली गई। योगी के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने में बुलडोजर का बहुत बड़ा हाथ है। जिस तरह से योगी ने अवैध निर्माण और अपराधियों पर बुलडोजर चलवाया, उसकी वजह से जनता ने भी खूब समर्थन किया। इसीलिए इस बार लगता है कि अब बाबा का बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। अपराधी चोर लुटेरों के बाद विधायक और मंत्रियों की अब बारी है। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद। आपत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस,
जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना। जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।